दोस्तों, ग्लोबली 20% का जो टोटल पॉपुलेशन है वो टोबैको कंज्यूम करता है, एंड पर ईयर 7 to 8 मिलियन लोग जो है मरते हैं ओनली स्मोकिंग के कारण। और मेरी कहानी भी बिल्कुल उसी तरह से शुरू हुई थी जिस तरह से सबकी स्टार्ट होती है। मैं दोस्तों के साथ एक चाय के बंडी पर बैठा हुआ था, चाय पी रहा था मैं, और मेरा दोस्त एक सिगरेट पी रहा था। उसने बोला, एक कश मार ले भैया। तो मैं पहले मना किया, फिर एक पर कश पिया, फिर एक सिगरेट, फिर एक पैकेट, और देखते 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 3 साल में मैंने 2 पैकेट सिगरेट पीना स्टार्ट कर दिया था। तो ये वीडियो बनाने का पीछे यही मकसद है, जो बंदा दिन में 2 पैकेट पी रहा था आज वो बिल्कुल भी छोड़ चुका है, 0। और मैं कैसे वो अपने आप को वहाँ से निकाला एडिक्शन से, वो सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो आपके लिए अगर नहीं है तो छोड़ के चले जाइए, लेकिन अगर हो सके तो एक लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो से अगर कोई एक बंदा जो है स्मोकिंग छोड़ पाए तो मैं समझूंगा मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो गया है। और जो लोग को ये ज़रूरत है, जो देख रहे हैं, उसको लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको इसमें ज़रूर हेल्प मिलेगा अगर आप स्मोकिंग क्विट करना चाहते हो। सबसे पहली बात है, पहले तो आप एक डेट डिसाइड कीजिए। मैंने भी वही किया था, मैं सोच रहा था कल छोड़ दूंगा, कल छोड़ दूंगा, कल छोड़ दूंगा, और वो कल कभी नहीं आया। मैं 5 साल तक लगातार यही सोचता रहा, लेकिन वो कल कभी नहीं आया। और आप न्यू ईयर रिजोल्यूशन के ऊपर आप इसको बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि वो कभी भी काम नहीं करेगा। मैं एक पर्टिकुलर डेट डिसाइड किया था कि ये डेट को मैं छोड़ दूंगा, और वो डेट के लिए सिर्फ 10 दिन मेरे पास टाइम था, और वो 10 दिन में मैं डबल स्मोकिंग कर दिया था। लेकिन जैसे ही वो डेट नज़दीक आया, उसके बाद उसका नेक्स्ट डे मैं क्विट कर दिया था। इनिशियली बहुत प्रॉब्लम होता है जब आप क्विट करते हो, आपको वॉशरूम जाने में तकलीफ होता है, आपको कुछ काम करने के लिए मन नहीं करता है। सो ट्राई टू डू इट ऑन अ वीकेंड। मैं भी वही किया था, वीकेंड पे अगर आप क्विट करो तो आप घर में रहोगे, और घर में रहोगे तो चांसेस कम है कि आप उसको कंटिन्यू कर पाएंगे। तो फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड डेट। सेकेंड डे मैं वो सारी प्लेसेस पे जाना बंद कर दिया था जहाँ पे मुझे स्मोकिंग के लिए ट्रिगर करता था, जैसे कि ऑफिस का ब्रेक्स में मैं दोस्तों के साथ नीचे जाता था चाय पीने के लिए, तो वो प्लेसेस में मैं जाना अवॉइड कर दिया था। दूसरी बात क्या है, मैं जो रास्ते से घर से ऑफिस जाता था, वो रास्ते से भी काफ़ी सारे छोटे छोटे पान के डब्बे रहते थे, तो वहाँ पे भी मैं रुकता था बीच बीच में, तो वो रूट को भी मैं अवॉइड कर देता हूँ ऑफिस जाने के लिए। जो जो जगह ट्रिगर करता है, जो जो रास्ता ट्रिगर करता है, जो जो मूवमेंट्स ट्रिगर करता है, वो सारा मैं अवॉइड किया। दोस्तों के साथ वीकेंड पार्टीज पे जाना भी अवॉइड कर दिया, क्योंकि वहाँ पे अल्कोहल के साथ स्मोकिंग भी होता है। तो ये हेल्प किया मुझे, मेरा जो निकोटीन लेने का जो रश रहता था वो धीरे धीरे कम हो गया। नंबर 3 पे मैंने क्या किया था, मेरे घर के अंदर नहीं तो मेरे ऑफिस में जितना सारा जो हाइडिंग प्लेस रहता था वो वहाँ से मैं पूरा सारा निकाल के डस्टबिन में फेंक दिया था। जब भी वॉशरूम में जाते थे तो वॉशरूम का जो पानी का रहता है प्लेस, वहाँ पे मैं रखता था, तो वहाँ से निकाल के फेंक दिया। जो जगह पे छुपा के रखता था वहाँ से भी मैं निकाल के फेंक दिया था। ऑफिस का जो डेस्क रहता है वहाँ पर रहता था, वहाँ से निकाल के फेंक दिया। तो मेरा जो सारा प्लेस जो है वो पूरा क्लीन कर दिया था, कोई भी जगह बचा नहीं था जहाँ पर मैं छुपा के रखता था। नंबर 4, अभी मैं क्या किया, मैं जो टाइम होता था ऑफिस का ब्रेक का नहीं तो सुबह में, वो टाइम पे मैंने अल्टरनेट लेना स्टार्ट कर दिया था। अल्टरनेट क्या लिया था, च्यूइंग गम्स। जब मैं च्यूइंग गम चबाता था तो मैं भूल जाता था दूसरा कुछ करने के लिए, चाहे वो स्मोकिंग हो या फिर कुछ हो। ऐसे करके अल्टरनेट करके धीरे 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 वो पूरा आदत मेरा छूट गया था। अभी लास्ट एंड फाइनली जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं मेरे मम्मी को बोला था कि हाथ में एक धागा बांधो जो मुझे हर बार याद दिलाएगा कि मेरा घर में कोई वेट कर रहा है और उनके लिए मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि ग्लोबली 20% पॉपुलेशन जो है वो टोबैको कंज्यूम करता है। ईयरली 7 to 8 मिलियन पीपल मरते हैं बिकॉज ऑफ स्मोकिंग। तो मुझे मरना नहीं था इमिडिएटली, मुझे घर वालों के पास वापस जाना था। तो वो धागा जब भी मैं देखता था तब तब मुझे अपनी मम्मी पापा की याद आती थी और घर की याद आती थी, जो मुझे रिमाइंड करता था कि हाँ मुझे घर जाना है और ये मुझे अभी नहीं करना है। तो ये स्टार्ट करके जो मैं 5-step प्रोसेस फॉलो किया उसको मैं लगातार 6 महीने तक किया दोस्तों, और मुझे बहुत तकलीफ हुआ छोड़ने के लिए, बट फाइनली आफ्टर 6 मंथ्स मैं इसको क्विट कर पाया। और ये जो इसका एडिक्शन है वो बहुत ही बुरा होता है, बुरा लत होता है, आप चाहे तो भी नहीं छोड़ पाओगे। तो इस तरह का अगर 5 steps आप फॉलो करोगे तो आई विश कि आप जो एडिक्शन से गुजर रहे हो वो आप वहाँ से बाहर निकल पाओगे। तो ये वीडियो अगर पसंद भी ना आए तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, कोई दूसरे को इसको हेल्प मिल जाएगा। तो आज तक के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।